नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया और बयान यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नहीं कई रूप हैं, बहुरूपिया हैं, डुप्लीकेट पिछड़ा हैं। और ये इस बयान पर सियासी बवाल बढ़ना था, सो सियासी बवाल बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बयान इस कदर नागवार गुजरा है कि बीजेपी के कई नेताओं ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर। सांसद रविशंकर प्रसाद ने तो कहा है, नीतीश कुमार से मैं पूछूंगा, क्या यही ललन सिंह की शालीनता है? उन्होंने सवाल उठाया है कि ललन सिंह को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी ही दिक्कत है तो फिर ये बताना चाहिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की वजह से जीते या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीते। अब ललन सिंह को राजनीति का असली बहुरूपिया बता दिया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद से मिलकर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कराने वाले जेडीयू के नेता सबसे बड़े बहुरूपिया हैं। सीएम और लालू प्रसाद से अलग होकर समता पार्टी बनाया और चारा घोटाला में उन्हें जेल भिजवाया। सीएम से पीएम बनने की चाह में भाजपा से अलग होकर जेडीयू राजद से हाथ मिला लिया। ललन सिंह कभी सीएम को तानाशाह अवसरवादी कहते थे, इस वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया था। ललन सिंह खुद ही बहुरूपिया हैं, उन्होंने राबड़ी देवी पर मानहानि का मुकदमा किया था। IRCTC घोटाले में CBI को लालू परिवार के खिलाफ दस्तावेज उपलब्ध कराया था। अब वो लालू परिवार के नज़दीकी बनने के लिए पीएम को अपशब्द कह रहे हैं। 2024 में असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं जेडीयू के खिलाफ, ललन सिंह के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ खासकर, और एक के बाद एक हमले करते हैं, एक हमले का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दिया है, सुशील मोदी फिर सामने आए हैं और उल्टे ललन सिंह को राजनीति का असली बहुरूपिया बता दिया है। तो देखिए, फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। जेडीयू और बीजेपी की जंग ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही चल रही है। बिहार में उपचुनाव हो रहा है तो ये जंग और तेज है, और 2024 में लोकसभा चुनाव है तो ये लड़ाई, ये जंग और तेज होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।